वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं ये व्लॉग अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर रही हूँ, अभी सुबह के 7 बज रहे। आज वेदर भी अच्छा है, मतलब पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी तो उसके कंपैरिजन में वेदर अच्छा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था अपने लास्ट व्लॉग में भी कि अब मतलब मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें ही इस व्लॉग में इस चैनल पे डालूँगी, तो आज भी कुछ है इंटरेस्टिंग आपके देखने के लिए जो शायद आपने पहले नहीं देखा हो। जो पहाड़ी लोग होंगे उन्होंने डेफिनेटली देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, बट जो नॉन पहाड़ीज हैं उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं ये चपाती क्यों काउंट कर रही हूँ तो इसके पीछे भी एक रीज़न है, तो लोगों के लिए ही है डेफिनेटली, बट क्यों है कैसे है वो आपको इस व्लॉग को पूरा देख के ही पता चलेगा। आज मैं हूँ एक बार फिर से सेब के बगीचे में, और इस बार मैं अपने नानी के घर पे नहीं, अपने ही गांव में हूँ। तो आराम से आराम से। और अब आ गया है सेब तोड़ने का टाइम। ये रास्ते देख पा रहे कि कितने खराब है कीचड़, ये कीचड़ क्योंकि कंटिन्यूसली इतने टाइम से बारिश चल रही थी तो यहाँ पे पूरे हाल हो गए। अभी आपको पता चलेगा कि जो सेब है वो दुकानों पे दिखते तो बहुत अच्छे हैं और लोग बोलते हैं कि वो इतने महंगे क्यों बिकते हैं, तो उसके पीछे कितना हार्डवर्क है तो आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा। ऑब्वियसली इसके पहले का तो मैंने वीडियो नहीं बनाया है, बट अभी जैसे हार्वेस्ट हो गए हैं, अब इनको तोड़ रहे हैं, उसके बाद इसको ग्रेडिंग होगा, पैकिंग होगा, कैसे कैसे लेके जाएंगे तो वो आपको इस ब्लॉग में पता लगेगा। रोड खुल गया है? अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा ड्रॉपिंग हुई है। ड्रॉपिंग का मतलब है कि सेब जो अपने आप झड़ जाते हैं नीचे। पूरी लंबी उसे सुकरे सुनाली नहीं मिली। अरे सुनाली नहीं करती, बड़े पास देखे दोनों की चले पड़े पड़े देना भी इंडियन है यार। बीमार है, बड़े करो बीमार है, बड़े बड़े भारी करो, घुमा के तोड़ो। तो अभी आपके साथ क्या हुआ? बुरी तरह से गिर गई मुंगेरा किचड़ के अंदर। आज मेरे साथ है एक नया इंसान, इस व्लॉग के लिए न्यू, लोगों के लिए न्यू, सिसोदिया, सिसोदिया जो कि है मेरी मासी की बेटी। ठीक है हूँ। हाय गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। 150 सब्सक्राइबर्स, 181 30 तो खुद ही है 30। चलो चलते हैं पानी पीते, प्यास लगी। बैग लिख के ना उसका सेब दिखाओ। बीम नहीं तोड़ते भाई, काहे बीम। तो ये होता है बीम, ये सेब यहाँ से टूटना चाहिए। और यहाँ पे हो रही है ग्रेडिंग। ये कौन सा साइज है? ये 240 240 होता है, 175। ये 240 एक्स्ट्रा स्मॉल है, ये स्मॉल है, ये मीडियम और लार्ज का पैकेज है जो कि बहुत कम है। यहाँ पे हो रही है पैकिंग। राकेश आप कौन सा साइज पैक कर रहे हैं? 6 लेयर 98 में। ये है
आप कौन सा साइज? 240 कौन सा होता है? स्मॉल मीडियम लार्ज 240 आप एक्स्ट्रा स्मॉल अब कहाँ मारने थे अब तो नहीं मारने थे बच्चों का यार ये तो बड़े लाल लाल लग रहे हैं आपके से कौन से ये वाला है अरे मेरी फोटो ले ले सोनू आने ले लो पड़ती भाई मम्मी को मैं अपने व्लॉग में डालती हूँ मम्मी को कि व्लॉग है ये एक ही चढ़ गई ये कीचड़ में मम्मी घास काट के आई है अभी लोगों के लिए रास्ता बनाने के लिए अरे क्या रास्ता क्या बनाना उसमें तो कुछ नहीं है तो बुरे बुरे हाल है दूसरी हाँ जी कोई नहीं आएंगे कोई नहीं जी आई भी निकाल भी कीड़ा था आपको कीड़ा था आपको पहाड़ी गर्ल ऑन फायर देखो क्या होने वाला है लोगों को सीढ़ियाँ नहीं मिल रही है इसलिए टैलेंट ये ओ ओहो वेरी गुड ये अब जो सुबह चपाती मैं गिन रही थी अब देख सकते हो किस लिए बनाई थी तो यहाँ पे जितने भी लेबरर्स हैं उनको खाना लंच का टाइम लंच के लिए रुको मैं अभी रुको पहले एक देखो अच्छा 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 सिट देख बैठ गया अरे वो रोटी खा रहे हैं अभी अरे ले जा इसको वहां से और क्या ले रुको जाओ और अभी काफी सारे सेब तोड़ने के लिए बचे हुए हैं बट मौसम एकदम खराब हो गया और थोड़ी थोड़ी बारिश भी होने को लग गई है ये देखो कितनी ज़्यादा फॉग आने लग गई है और अभी क्या कह रहे हो है? क्या कह रहे हो मेरी ब्लॉगिंग करो कितने से बच्चे बस अब गाला तोड़ रहे हैं बाकी हो गए बाकी नीचे उठाने अब थोड़े बहुत जो गिरे हुए ना ओके अब बच गए हैं 5 और सेब ऑलमोस्ट सब तोड़ दिया है अब बचा है पैकिंग करना और ये थोड़ा सा ग्रेट करना प्रिया गई है स्टेपिंग करने शायद अब इन दोनों को कुछ कंफ्यूजन हो गया है कि कैसे करनी है फाइनली साथ ही साथ यहाँ पे एप्पल्स वॉश किए जा रहे हैं और जैसे आपने देखा था कि थोड़ी देर पहले बारिश होने वाली थी वो थोड़ी सी बारिश हुई और अब देखो मौसम एकदम साफ हो गया है विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ क्योंकि अगर बारिश फिर से हो जाती तो फिर कीचड़ हो जाना था और रोड्स ब्लॉक हो जाने थे बिकॉज लैंडस्लाइड्स काफ़ी सारी जगह हुए हैं हेलो गाय हेलो गाय
अब हम बच्चू को घास देंगे। बच्चू ये लो खाओ खाओ। अब होने लगा है अंधेरा, इसलिए यहाँ पे लग रही है लाइट्स। अब देखो ये मम्मी क्या कर रही है। आजकल सेब से महंगा है टमाटर, इसलिए मम्मी छांट रही है टमाटर। मम्मी आपको ये किसने दिए? ये दिए नेगी जी ने, राजू नेगी जी है ना। हाँ। हमारे बड़े अच्छे बेचारे मित्र हमारी बहुत हेल्प करते हैं, इसलिए उन्होंने बोला कि छांट लो आप और ले जाओ शिमला, क्योंकि ये सबसे एक्सपेंसिव चीज़ है आज के टाइम में टमाटर। सेब पैक करने आए हैं नए मेहमान। चेकआउट मिस किटी, एक मिस किटी है वहाँ पे। तूने डरा दिया शुभ इसको। ये देखो किटी यहाँ से निकल के जा रही है। टमाटर छोड़ी भगवान सब के। आपको जुगनू दिख पा रहे हैं? रात के बज गए हैं 9 एंड वी आर स्टिल पैकिंग। इट्स नॉट दैट इजी। It's a bright sunny day today. Good morning guys. तो आप सोच रहे होंगे कि एकदम से सडनली 9 बजे के बाद गुड मॉर्निंग कैसे हो गई। मैंने रात पे वह शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि लाइट चली गई थी और हम फ्री हुए 12:30 के अराउंड। लाइट चली गई थी तो लेट हो गया। तो हमने रात पे जो गाड़ी थी वो लोड कर दी थी, मतलब उसमें सेब भर दिए थे, भरवा दिए थे, और अब वो चली गई है। अब हम पीछे से जा रहे हैं देखने। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हुए हैं जो पिछले दिनों बारिश हुई है। और अब हम बेचेंगे सेब। सो लेट्स सी ये कैसा रहता है। दिस इज़ माई ऑल्सो माई वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ पे लड़कियाँ तो होती नहीं है। आई कैन नॉट सी एनी गर्ल ओवर हियर। तो अभी देखते हैं। नॉट श्योर कि आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है और इतने टाइम बाद बारिश होगी ना, तो शायद सब लोगों ने कल ही अपने सेब तोड़े और आज ही आज सब लोग बेचने आ गए हैं, तो शायद इस वजह से काफ़ी रश है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी यहाँ पे हो रहा है कुछ डिस्कशन कि कितने में क्या जाएगा। टेस्टिंग ऑफ एप्पल्स मे बी। फाइनली वी आर डन। तो अभी हमने सेब भी बेच दिए हैं। तो बढ़िया एक्सपीरियंस था, पता चला कि कैसे लोग सेल करते हैं। तो अभी न्यूज़ आई थी कि वो कार्टन्स वे करके ले रहे हैं, बट पुराने वाले मेथड से ही ले रहे हैं यहाँ पे पराला फ्रूट मंडी में। तो सो अच्छा है, बस थोड़ी गर्मी ज़्यादा है। अब हम चले वापस घर को।
सो एज आई सेड अच्छा एक्सपीरियंस था, आई गेस सबको ही जाना चाहिए और एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए। अभी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो अभी के लिए बाय बाय।